हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 15.2 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। और ये एक्सरसाइज आपकी ऑप्शनल है। ऑप्शन में आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि AMU देते हो या किसी, मतलब हाँ, ये 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको ये कह देता हूँ, ठीक है। और 1 और 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी है, जो मैं आपको शुरुआत में समझाया था और जो अब तक कराया आप कर सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी कराऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। देखिए, ये बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है एंड सम ब्लू बॉल है, ठीक है। ब्लू बॉल क्या है? सम है, हमें नहीं पता कितनी बॉल है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है, देखो, यस, टू डेट ऑफ रेड बॉल डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। हमें क्या है, ब्लू बॉल्स की नंबर्स बताने। देखो, हमने लेट ब्लू बॉल एक एक्स नंबर, ठीक है, हम ब्लू बॉल्स को एक्स नंबर मानते हैं, ठीक है। अब इस मान लो हमने 5 रेड बॉल है, ब्लू बॉल एक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होएंगी, रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल होएंगी ना। देखिए, रेड बॉल 5 है और ब्लू बॉल आपकी एक्स है। देखिए, अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में, इसी में बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल इज डबल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 5 प्लस x अपॉन x, ठीक है। ये तो करोगे कि जो बॉल दे रखी ऊपर रखोगे और जो टोटल सम है वो यहाँ रखोगे, इक्वल्स टू। अब बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लू बॉल की, वो 2 times है किसकी प्रोबेबिलिटी से, रेड बॉल की। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 5 प्लस x, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 rate of रेड बॉल, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन, सॉरी, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल है वो 2 times है किसकी, इस वैल्यू की, इस वैल्यू की 2 times है। थोड़ा दोबारा से पढ़ते हैं, गलती होगी थोड़ी सी, यस। अब है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, देखिए इसमें क्या होगा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल इज, देखिए इज आगे ना, इज डबल ऑफ डेट रेड बॉल। तो इसमें जो शब्द है इज, वो आपको क्या है, इस सेंटेंस को अलग मतलब सेपरेट कर रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल, देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकाल दिया, इज डबल टू डेट ऑफ रेड बॉल, ठीक समझ में आ गया, यस। अब आप देखिए, ये एक्स अपॉन 5 प्लस x इक्वल्स टू, इसका इंटू करोगे तो 10 अपॉन 5 प्लस x, इससे डिनोमिनेटर कट जाएगा, आपकी एक्स बॉल आपकी 10 आएगी, मतलब कि जो सम बॉल थी ब्लू बॉल आपकी 10 आ जाएंगी, आपका आंसर हो गया, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके इस तरह से कि ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। एक बॉक्स है जिसमें कितनी है, 12 तो बॉल है, 12 बॉल्स है, उसमें से एक्स, इसी जो बॉक्स है 12 बॉल्स में से कुछ एक्स ब्लैक है, मतलब कि एक्स ब्लैक बॉल है, ठीक है। मतलब 12 बॉल्स हैं और 12 बॉल्स में ही से, मतलब समझ लो अगर 8 रेड होंगी तो उसमें 4 ब्लैक होंगी, तो हमने क्या है, आपको 12 बॉल, इनका सम 12 आ गया, तो हमने क्या बोल दिया इसमें से कि 12 बॉल्स हैं उनमें से एक्स ब्लैक है, ठीक है। अब बोला गया है कि इफ द प्रोबेबिलिटी इफ वन बॉल इज रैंडम ड्रॉन इज इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो देखिए, अगर हम कोई बॉल रेंडमली निकाल रहे हैं तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी। देखिए, एक्स तो ब्लैक है, एक्स अपॉन टोटल नंबर बॉल कितनी है, 12 है, ये हो गया। अब देखिए, इसे क्वेश्चन 1 डालिए, इसे क्वेश्चन 2। अब बोला गया है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। अब 6 बॉल डाली गई है, बॉल जो कि क्या है, नंबर में ब्लैक कलर में है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको टोटल बॉल्स आएंगी आपकी 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18, ठीक है, क्योंकि पहले 12 इसमें 12 थी,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। तो आपके पास 12 बॉल थी, उसमें हमने क्या है सिक्स एड कर दी, 1 2 3 4 5 6 हमने सिक्स बॉल एड कर दी जो कि ब्लैक है। तो देखो पहले भी इसमें ब्लैक थी, पहले ब्लैक थी सिक्स की प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई, अब हमने सिक्स एड कर दी तो आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई 18 हो गई। अब इसका क्या करना हमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वॉज बिफोर। देखिए अब जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ, अब इस समय जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की होगी कितनी होगी, देखो सिक्स बॉल हमने ऐड करनी है जो कि ब्लैक है, तो इसमें देखिए एक्स प्लस सिक्स बॉल हो जाएंगी, तो यहाँ एक्स प्लस सिक्स अपॉन 18, ये क्वेश्चन सेकंड हो गए, ठीक है समझ आया। क्योंकि हमने सिक्स बॉल ब्लैक डालनी है तो एक्स प्लस सिक्स बॉल हो जाएंगी, और 12 बॉल्स क्या हमने ऐड किया तो 18 बॉल्स इस बैग में आ गए। अब हमें बताना है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, क्या है जो x प्लस सिक्स अपॉन 18 है वो डबल है जो कि पहली वाली क्वेश्चन में, इट वॉज बिफोर, बिफोर में कौन सी थी x अपॉन 12। देखिए ये वैल्यू 2 से 6 टाइम कट जाएगी, x प्लस सिक्स अपॉन 18 इक्वल टू x अपॉन 6, 6 3 जाए 18, तो x प्लस सिक्स इक्वल टू 3x और 6 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, मतलब कि x की जो ब्लैक की वैल्यू आई है ना वो x थी ना, तो आपकी वैल्यू 3 आएगी। तो समझिए अगर 12 में से हम 3 निकाल दें तो वैल्यू कितनी होगी 9 और 3, इसमें से 3 बॉल किसी भी हो सकती, 9 बॉल किसी भी कलर की हो सकती हैं, तो उसमें से पहले 3 बॉल ब्लैक कलर की थी। अब देखिए समझ में आया, अगर हम देखिए इसमें ऐड कर दें 6 प्लस 3 9 हो जाएंगी, और ये आपकी जो वैल्यू है 18, तो देखिए इसका जब कहेंगे 2 टाइम्स हो गया, तो पहली ये जो वैल्यू इस समय आई है वो 2 टाइम्स है किसकी, पहली वाली क्वेश्चन की। तो आप देख ही रहे हैं पहली वाली क्वेश्चन कितनी है, यहाँ का बॉल पुट कर देंगे आप, तो आप यहाँ 12 कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, देखिए ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, समझ में आया क्वेश्चन, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वो सेम है, इसको मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए ए जार कंटेन 24 मार्बल्स, मतलब एक जार है इसमें क्या 24 मार्बल्स, मतलब कंची है 24 है, उसमें से सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, उनमें से 24 में से कुछ तो ग्रीन है और कुछ ब्लू है, ठीक है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन, अगर हम उसमें से एक मार्बल उठाते हैं एट रैंडमली फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज अ ग्रीन इज 2/3, जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन की वो कितनी है आपको दे रखी है इसमें 2/3, और नंबर ऑफ बॉल्स पूछी है ब्लू की, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ग्रीन दे रखा है तो हम ग्रीन को ही एक्स मानेंगे, ठीक है। लेट नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। जब ग्रीन बॉल को हम एक्स मान लेंगे तो देखिए हम ब्लू बॉल्स क्या आएंगी, ब्लू बॉल्स आएंगी आपको 24 माइनस एक्स, इतनी बचेंगी। अगर आपको ग्रीन एक्स दे रखी है तो ब्लू बॉल्स 24 माइनस एक्स, मान लो अगर इसमें ग्रीन बॉल मानते हैं अगर एक दे रखी हो 24 दे रखी टोटल बॉल, इसमें से 8 ग्रीन है, जब आप माइनस करोगे तो आपको कुछ ब्लू बॉल्स मिल जाएंगी, और 10 दे रखी है ग्रीन बॉल्स, इसमें से माइनस करो 14 ब्लू बॉल्स आएंगी, बिल्कुल वही है। अगर हम इसको एक्स मारेंगे तो ब्लू बॉल की संख्या इतनी होगी 24 माइनस एक्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रीन की 2/3, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितनी आएगी एक्स अपॉन कितनी बॉल 24, कितनी दे रखी है 2/3, इससे कंपेयर कर दो तो 3 होने 3 3 8 है 24, और 8 का स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास आई 16, 8 16, मतलब उसमें ग्रीन बॉल होंगी वो 16 होंगी, जब 24 में से ग्रीन बॉल हटाओगे 24 में से तो ग्रीन बॉल 16 आ गई, जब 24 में से ग्रीन बॉल हटाओगे तो आपको 8 बॉल मिल जाएंगी ब्लू बॉल, ठीक है। आपका मतलब क्वेश्चन हो गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आपको हो गए, और मुझे अच्छा लगा आपकी जो वीडियो मतलब कि चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए आप कमेंट कर दीजिए, और अगर फिर भी कोई गलती हुई हो इसमें मतलब समझाने में आप दुआ बोल सकते हैं, मैं दुआ भी क्वेश्चन आपके लिए डाल सकता हूँ।